गाइस वेलकम बैक टू नॉलेज आई क्यू साइंस। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 मंथ का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट था 8 और 9 जुलाई 2 दिन हुआ था, और मैंने पिछले की वीडियो में आपको बताया है कि मेरे 9,000 ग्राफ्ट लगे थे, पूरा मेरा हेड कवर हुआ था। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 महीने का रिजल्ट देखने को मिलेगा, और क्या क्या अभी सिचुएशन है हेयर ट्रांसप्लांट की वो देखने को मिलेगा, डोनर एरिया कैसा है, अभी नमनेस कितना है, वो सारी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 और 9 जुलाई को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। इसके बाद आपको पता है घर आते हैं, उसके बाद एक दिन बाद ही आपका जो हेड वॉश होता है, मेरे केस में एक दिन बाद ही स्टार्ट हो गया था। और जो मेन होता है वो तो आई थिंक 7-8 दिन बाद आता है, आप देख लेना वो कब मैंने बताया था, अभी ध्यान नहीं है मेरे। वो सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो एक प्लेलिस्ट होगी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के नाम से, उसमें हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है क्या क्या करना पड़ता है। जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट है, मैंने आपको पहले ही बताया था 9,000 ग्राफ्ट लगे थे, और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का जो क्लिनिक है, सेंटर है, उसका नाम था हेयर रिकवर सेंटर। ये मोरिंडा में है, मोरिंडा में है हेयर रिकवर सेंटर के नाम से। तो जिसे भी जाना है वहाँ पे जाके कर सकता है, करवा सकता है अपना हेयर ट्रांसप्लांट। मैं एक यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि अच्छा क्लिनिक कैसे सेलेक्ट करना है, कॉस्ट कितनी लगती है हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह में, वो मैंने पहले ही बताई है और प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो देख सकते हो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कितना आया था, 9,000 ग्राफ्ट लगे थे तो कॉस्ट कितना आया था, ये सबसे ज़्यादा मेन होता है क्योंकि मेरा पूरा हेड ही हुआ है। तो और सिंगल सिटिंग में मैंने कराया था, मतलब 2 दिन हुआ था, अब बार बार कौन जाए, तो मैंने एक ही बार में सारी चीज़ें करा ली थी। तो अभी बात करें जो नमनेस है, सूनापन है, लगभग वो ना के बराबर है, लगभग 90% सही हो गया है। थोड़ा बहुत अगर मैं यहाँ पे टच करता हूँ, यहाँ पे टच करूँगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन लगभग नेग्लिजिबल कह सकते हैं उसे। और जो पेन वगैरह है, मैंने स्टार्टिंग बताया था मुझे कोई भी पेन वगैरह नहीं होता था, अनकंफर्टेबल होता है। जैसे ही आप लेटते हो हेयर ट्रांसप्लांट करा के, तो यहाँ पे चुभन टाइप की होती है, 2-3 दिन आपको हो सकता है सूजन आए, वो सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं है, कोई भी मेरे पे साइड इफेक्ट नहीं है। जो मेरी मेडिसिन है, आपको पता है एक बायोटिन की टैबलेट बस चलती है, और 2 टाइम मिनोक्सिडिल लगाना होता है। इसके अलावा कोई भी मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, फिनेस्टेरॉइड वगैरह मेरा स्टार्टिंग से नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा पूरा हेड ही हुआ था, अब कुछ बचा नहीं था, थोड़ा बहुत ही पहले के बाल थे, तो इसलिए मुझे फिनेस्टेरॉइड वगैरह नहीं दी गई। हाँ, मिनोक्सिडिल विद फिनेस्टेराइड का जो मेरा तेल है वो है, मतलब जो लोशन है, तो उसे लगा रहा हूँ। अभी आप ये रिजल्ट देख सकते हो, 3 महीने में ठीक ठाक आ गया है। और ये जो मेरे बीएड के थे, आपको पता है मेरा डोनर एरिया बैक साइड का है और बीएड का है, तो बीएड के जो बाल थे वो स्टार्टिंग से ही ग्रो होने लगे थे, मतलब वो सेटिंग फेज में गिरे ही नहीं। जो मैक्सिमम हेयर थे, लगभग काफ़ी तो गिर गए थे, लेकिन जो मैक्सिमम बीएड वाले थे वो नहीं गिरे थे और वहीं से ग्रो होने लगे थे। और ये रिजल्ट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा आया है, क्योंकि ये बीएड के बाल अभी बड़े हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि अभी 3 महीने में ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो रही हो, किसी की थोड़ी बहुत हो, वो डिपेंड करता है डोनर, मतलब सेटिंग फेज में आपके कितने बाल गए। आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो डेफिनेटली आता है, किसी का थोड़ा स्लो होता है, किसी का तेज आता है। मैंने बताया जिसका बीएड का लगा रहता है उसका सेटिंग फेज नहीं होता है, इसलिए उनका रिजल्ट देखने को जल्दी मिल जाता है। जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हो, लास्ट में मैं आपको जो डोनर एरिया है उसका भी कंडीशन दिखा दूंगा, पहले मंथ में कैसा था, दूसरे मंथ में, और अभी तीसरे मंथ में कैसा है, तो वहां से एक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि 3 महीने में जो डोनर एरिया है वो कैसा होता है। अभी जो बीएड का डोनर एरिया है आप देख सकते हो बिल्कुल सही हो गया है, तो इसमें कुछ भी अभी नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से मेरे ग्राफ्ट निकाले गए हैं। हाँ, ये है कि डेंसिटी तो कम हो गई है, और ये तो सही भी हुआ कि पहले ज़्यादा डेंसिटी थी, इसलिए मेरा हेयर ट्रांसप्लांट ठीक ठाक हो गया, क्योंकि आपको पता है लगभग 9,000 ग्राफ्ट कितने होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट पूरे हेड पर करना। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, मैंने कब कराया, क्यों मैंने इतना डिले किया हेयर ट्रांसप्लांट में, तो और पहले की बात की अभी सारी चीज़ें मैं पिक वगैरह लगा दूंगा, तो अच्छी तरह आप वहां से देख सकते हो। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है? आपकी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जो व्हाट्सएप का नंबर है बस आप उस पर व्हाट्सएप ही करना, कॉल उस पर रिसीव नहीं की जाएगी।
सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी ये काफ़ी कम है जो आपको यहाँ पे गैप वगैरह दिख रहा होगा, यहाँ पे अभी बेबी हेयर आ रहे हैं इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कैमरा में दिखता ही नहीं है। तो अभी ऐसा कुछ रिजल्ट है पहले का, मैं आपको लगा लूँगा कि कहीं दिखा दूंगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...